दोस्तों यार आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करेंगे आईपीएल और पीएसएल के बीच। वैसे कंपैरिजन तो क्या ही करेंगे, जलील ही करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यार वैसे कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं है, सच्चाई ये है कि चीन को बाप बनाकर बैठा है पाकिस्तान, और जैसे बाप चोरियां करने की कोशिश करता है वैसे ही पाकिस्तान भी कुछ कोशिशें करता है, और ऐसी ही कोशिश उसने भारत से भी कुछ चोरी करने की थी, जिसमें उसने भारत की दो फ्लैगशिप चीजें चुराने की कोशिश की, जिसमें एक था आईआईटी और दूसरा आईपीएल। अब आईआईटी जहां पाकिस्तान बनाने वाला था वहां बकरियां चर रही हैं घास, और घास चरने के बाद जो बकरियां करती हैं वैसी ही इन्होंने एक लीग बनाई और जिस लीग का नाम रखा PSL, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग। अबे साले, अब इसके नाम में ही नाम में सुपर है, उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आप इस कंपैरिजन से बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो चलो यार कंपैरिजन शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं दोनों लीग की शुरुआत कब हुई थी। साल 2007 में शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप, और उसके ही अगले साल IPL की शुरुआत हो गई। ये क्रिकेट जगत में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था, क्योंकि आज तक क्रिकेट में कभी भी एंटरटेनमेंट और खेल का ऐसा मिश्रण नहीं देखने को मिला था जिसने क्रिकेट की लोकप्रियता में एक बहुत बड़ा बूम ला दिया हो। दुनिया भर के देश जहां एक ओर इसे कॉपी करने लगे, तो वहीं IPL की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती गई, और अभी के टाइम पर देखते हैं तो IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करें PSL की, तो PSL की शुरुआत साल 2016 में यानी कि IPL आने के 8 साल बाद की गई थी, और इसका उद्देश्य यही था कि ये IPL से कम्पीट कर सकें। लेकिन IPL से कम्पीट करना तो दूर की बात, ये IPL के करीब भी नहीं पहुंच पाए। जहां एक और IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अभी भी दुनिया भर के खिलाड़ियों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब हमारे देश में बम नहीं फूटते, यहां तो सिर्फ सिलेंडर फूटता है, बम तो हम सारे के सारे इंडिया भेज देते हैं फूटने के लिए। दोनों के बीच के अंतर को आप इस बात से समझिए कि BCCI ने साल 2023 से 2027 के लिए IPL के जो मीडिया राइट्स बेचे हैं वो बेचे हैं तकरीबन 48,390 करोड़ रुपए के। और वहीं बात करें PSL की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा PSL के अगले 2 साल के राइट्स बेचे गए हैं सिर्फ और सिर्फ 166 करोड़ रुपए में। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहां 48,390 करोड़ और कहां 166 करोड़ रुपए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो हुई मीडिया राइट्स की बात। अगर बात करें एक सीजन खेलने के लिए खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम की, तो उसमें तो पाकिस्तान का और भी बुरा हाल है। साल 2022 में IPL में KL राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, उन्हें 17 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वहीं जानते हैं PSL में सबसे महंगा खिलाड़ी कितने का बिका था, 170,000 USD, यानी कि कुल 1,27,00,000 रुपया। नहीं मतलब इतना तो यार इंडिया में एक रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी को IPL सिलेक्शन पर मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीजन जीतने पर टीमों को मिलने वाले प्राइस की। अगर बात करें IPL की, तो साल 2022 में IPL जीतने वाली टीम को मिले थे 20 करोड़ रुपए, तो वहीं रनर अप टीम को मिले थे 12.5 करोड़ रुपए। अगर वहीं नजर डालें PSL जीतने वाली टीम को मिलने वाले प्राइस की, तो साल 2022 में PSL जीतने वाली टीम को मिले थे 3,40,00,000 रुपए, तो वहीं रनर अप टीम को मिले थे सिर्फ 1,50,00,000 रुपए। यानी कि यार जितना PSL जीतने पर तुम अभी दे रहे हो, इससे ज्यादा तो हम साल 2008 में IPL की शुरुआत में IPL जीतने वाली टीम को दे चुके हैं। और यार ऐसा नहीं है कि हम ही लोग PSL को, पाकिस्तान को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जलील करते हैं, बल्कि इनके एंकर्स को ही सुन लीजिए वो कैसे PSL और IPL का कंपैरिजन करते हुए इनको जलील कर रहे हैं। तो दो लड़के हैं, एक फिर उनका वो पांट है, वेंकट पांट है, क्या नाम है उसका, बड़ा मुश्किल सा नाम है, उमकट पांट, नहीं पता तो क्या कंफर्म कर रहे हैं मुझसे। हाँ, 11 करोड़ का बिका है, 11 करोड़ का बिका है, और हमारी एक फ्रेंचाइज जो है वो 11.5 करोड़ की थी पूरी, वो 11 करोड़ का सिर्फ उनका एक अंडर-19 का प्रोडक्ट गया जो अभी इंडिया से नहीं खेला। अबे साले, तो यार चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी हम ऐसा ही कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे।